आम मेनसेसटा होउछि जदि आम गोटे हाइजीन टे न मेंटेन कले आम स्वच्छता प्रति ध्यान न देले तो बहुत गुडे रोगर आम लेटर अन् सम्मुखित हो पारिबा। तो गोटे छोट छुआटे जेतेबेले छुआरो जीव अवस्थाक जाउछि से तो एते हाइजीन विषय एते बुझी पारिबे निजर स्वच्छता केमती मेंटेन करार अछि सेटा बिल्कुल बुझी पारिबे। तो एटा आम दायित्व पेरेंट्स मानक दायित्व आम स्कूल रे से जो जाउछन तांक दायित्व कि टीचर्स मानकर कि तांको एटा आमको बुझेबाकु पड़ब। तो ब्लड टा होचे आमे जानिया दरकार कि ब्लड टा गोटे बहुत कल्चर मीडिया टे कि बैक्टीरिया माने सेतरे ग्रो करिवे भलो सेटा गोटे कल्चर मीडिया टे आमर सेतरे कोन कोन असुविधा हे पारे। फर्स्ट तो होचे आमे जो पैड टा पिंथुचु तो पैड टा कोन होचे बॉडी रो कांटेक्ट रे रहउचे तो जदि आमे पैड सपोज चेंज न कले बहुत देरी तके तो सेटा ब्लड टा रे बैक्टीरिया ग्रो कला आमको रैशेस हेबार माने फर्स्ट तो है आमर स्किन रे रैशेस हेबार चांस अच्छी फंगल इन्फेक्शन्स गुड़ा माड़ जबार चांस अच्छी एगेन रिकरेंट माने बारंबार भेजाइनाल इन्फेक्शन है सर्विकल इन्फेक्शन है मान जो गर्भाशय मुह अच्छी तार इन्फेक्शन यहाँ हूँ गर्भाशय तार मुह तो तार इन्फेक्शन भी हेबार चान्स अच्छे बारंबार इवेन आमर गर्भाशयटा जो अच्छी सेटा हूँ भितर को आमर पेट भितर को तार कनेक्शन अच्छे ट्यूब्रे तार कनेक्शन अच्छे तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस रे कौन हो पारे ना परवर्त समय जाइना से गुड़ा सब ट्यूब्रे भी इनफेक्शन वगैरह करना परवर्त समय इनफर्टिलिटी आड़ को जापे आमर सब पेन पेट पेन हीकिना रहा सब ट्यूब गुड़ा बहुत फुल्ली किना हाइड्रोसाल्पिंग जहाँ कहते से पूज फुज जमा होना एगुड़ा सब आमको इफेक्ट आउ बहुत एक्सट्रीम केसेस रे टॉक्सिक सॉक सिंड्रोम भी सेटा आग काल रे होतला बट एबे जेहेतु आमे स्वच्छता टिके मेंटेन करचो तो एगुडा एबे कम देखा जाउचे बट एगुडा सबुर सम्मुखिन हेई परिबा आमे तो तेनु करी कि ना हमको हाइजीन मेंटेन करियाटा बहुत इंपोर्टेंट। पीरियड्स टाइम रे हमको फर्स्ट तो होचे हाथ धोईकना जहाँ भी आम करूँ आम पैड्स यूज कराक जाऊँ कि टैंपून्स यूज कराक जाऊँ कि कप्स यूज कराक जाऊँ सबुति हाथ धोईकना आम यूज करवा एंड यूज कर सारापर भी हाथ धोईवाटा जरूरी 6 to 8 hours रे डिपेंडिंग आमर केतिके फ्लो होउछि सेटा डिपेंड करिकिना आमको 6 to 8 hours रे मिनिमम आमको चेंज करियार अछि। जदि आपण कप्स यूज करछन्ति तले सेटा थ्रो करियार अछि आपण को बाहर को काढिकिना सेटा थ्रो करियार अछि। डेली आपण को गाधेबार अछि पर्सनल हाइजीन आपण को मेंटेन करियार अछि। वेजाइना रे कोनोसी प्रकार रो सोप्स कि डेटॉल कि डिओड्रेंट एगुड़ा सब किछि यूज करिया नाही ओनली सिंपल वाटर रे धुआ हबो। से टाइम रे हमर एडवाइस रहबो कि रिलेशन तो सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन न करियाटा भलो जदि भी आपण रखुछंती ताले कंडम्स यूज करिकिना तापरे वॉश करियार अछि। वॉश माने आपण सिंपल वाटर रे यूज करिवे आ जति के पारिबे सब बळे से एरियाटा ड्राई रहिबो एंड पैंटीज भी आपणकर दिनक दिथर चेंज हबो। जे कप्स यूज करछंती से मैंने भी 4 to 6 hours रे थरे से बाहर करके ना सेटा को पैन रे पके के ना सेटा को फ्लश करिवे। तो सेटा तो सब मैंने आपण जदि थरे कप यूज करिया को लागिले आपण को एते इजी लागियो कि आपण को अलग कोनोसी प्रोडक्ट आउ यूज करिवेनी। एबे हम पाखरे कौन कौन प्रोडक्ट्स अवेलेबल अच्छी मार्केट रे जोटा कि आम आम मेंस्ट्रुअल हाइजीन लगी यूज कर पारिबा। एटा तो समस्ते जानी एटा होचे हमरो सिंपल पैडटा यार कॉटन पैड्स भी आसे एंड ऑर्गेनिक पैड जोटा मुझे कहली सेटा होचे कॉटन पैड्स बनाना फाइबर रो भी पैड्स आसला तो से गुड़ा सब होचे ऑर्गेनिक पैड्स गुड़ा जोटा कि बेटर एगुड़ा सबुरे प्लास्टिक फ्री रहिबा आउ केमिकल फ्री रहिबा जोटा कि आपनको स्किन फ्रेंडली भी। सेकेंड आसला आमर कप्स मेंस्ट्रुअल कप्स यार तीनटा साइज आसे ए बी सी स्मॉल मीडियम लार्ज तीनटा साइज आसे। स्मॉल साइजटा होची जे कि सेक्सुअल चाइल्ड बर्थ
କରିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାରିଡ୍ ନୁହନ୍ତି ତ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଲାଗି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଟର୍। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ କପ୍ଟା। ମିଡ଼ିୟମ୍ କପ୍ଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଫ୍ଟର୍ ହାଭିଙ୍ଗ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ବର୍ଥ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ରୁମି ହେଇଯାଏ, ମୋ ଭେଜାଇନାଟା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଏ ତ ଢିଲା ହେଇଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଠି ଲାର୍ଜ କପ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଟାମ୍ପୁନ୍ସ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଏଇଟାର ଇନସର୍ଟର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଇନସର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ବି ଆସେ କି ଏମିତି ବି ଆସେ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସୂତାଟେ ଥାଏ ତ ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ଭିତରେ ଭେଜାଇନା ଭିତରେ ପୁଷ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ସେମିତି ରହିବ 4-6 hours ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏଗେନ୍ କାଢ଼ିକିନା ତାକୁ ଗୋଟେ ପେପରରେ ରାପ୍ କରିକିନା ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟିଜ୍, ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି ଆମ ନର୍ମାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟିଜ୍ ସେମିତି ହିଁ ଆସିଛି ଆସେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ଆମ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଯେମିତି ଧୁଆ ହେବା କଥା ଧୋଇକିନା ଆପଣ ସନ୍ଡ୍ରାଏ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାକୁ ଏଗେନ୍ ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଯିଏ କ୍ଲଥ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲଥ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ବି ଆସୁଛି, କ୍ଲଥ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ତାକୁ ବି ସେଇଆ ହାଇଜିନ୍ଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବାର ଅଛି, ତାକୁ ସନ୍ଡ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁଠି ଶେଡ଼୍ରେ କି ଲୁଚାଣିଆ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ, ଡ୍ରାଏ କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଇ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ହେବାର ନହେଲେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ନାରୀର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଲାଗିବ ହିଁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେଇଛି, କାରଣ ଆମର ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡ଼୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମର ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଆଉ ଏଇଟା ମଝିରେ ସ୍କିନ୍ ମଝିରେ ଆମ ପ୍ୟାଡ଼୍ଟା ରହୁଛି ତ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଆମର ବାହାରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ସ୍କିନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଏକର ତ ହେଲା ହାଇଜିନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଲାଗି ଆମ ସ୍କିନ୍ ସ୍କିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଆସିଲାନି, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମକୁ ଲାଗିବ ହିଁ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ବାହାରେ କିଛି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଲାଗେ କି ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଫିଲିଂ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଏଇଠି ରହିବ ସର୍ଭିକ୍ସରେ। ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଭିକ୍ସ ମାନେ ଗର୍ଭାଶୟର ମୁହଁଟା, ଗର୍ଭାଶୟର ମୁହଁ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଇଏ ପୁରା ଆଟାଚ୍ ହେଇକିନା ରହିବ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲେକ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କପ୍ରେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ସିଧା ବାହାର କରିକିନା ତାକୁ ଫ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କେମିତି କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ କପ୍ଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପିଞ୍ଚ କରିବେ ମଝିରେ, ପିଞ୍ଚ କରିକିନା ତାକୁ ଏମିତି ଶେପ୍ ଆଣିବେ, ଆଣିକିନା ତାକୁ ଏମିତି ଇନସର୍ଟ କରିବେ। ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ହେଲା ଏମିତି ବି କରିକିନା ଆପଣ ପୁଷ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟ, ବଟ୍ ସବୁଠୁ କମନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ସି ଟେକ୍ନିକ୍, ସେଇଟା ସବୁଠୁ କମନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ବି। ତ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇକି ଭିତରେ ଯାଇକିନା ଖୋଲିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଲାଜ୍ ହେଇକିନା ରହିବ। ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଢ଼ିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେମିତି କାଢ଼ିବେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେମ୍ଟେ ଥାଏ ଆମର, ତ ଏଇଟାକୁ ପିଞ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ, ଏମିତି ପିଞ୍ଚ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ କାଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଥିରେ ପେନ୍ ଫେନ୍ ବି ହେବନି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ କେମିତି କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ରିୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲିକନ୍ କପ୍ଟା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁନଗୁନା ପାଣିରେ ଟିକେ ମାନେ ସଫ୍ଟ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପକାଇକିନା, ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ବି ପକାଇଲେ ଚଳିବ ସେଇଟା ପକାଇକିନା ଆମେ ୟାକୁ ଟିକେ 5 minutes ନଟ୍ ଭେରି ବଏଲିଂ ୱାଟର୍ ଗୁନଗୁନା ପାଣିରେ ଆମେ ଗରମ ଟିକେ କରିକିନା ଫେର୍ ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ୟାକୁ। ୟାର ଲାଗି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର୍ସ ବି ଆସୁଛି, ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର୍ସ ବି ଅଲଗା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଓକେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଗୋଟେ ୟା ଲାଗି ଅଲଗାରେ ପ୍ୟାକ୍ଟେ ରଖିଥିବେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ରଖିବେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ସାଇକେଲରେ ଫେର୍ ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ 5 years ତକେ ବି ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 5 years ପରେ ସିଲିକନ୍ଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ନିଂ ହେଇଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା ଜରୁରୀ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍
एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज बॉडी फ्रेंडली एंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। आपण भावंतु गोटे पैड आपण यूज करछन्ति 8 टंका, तो आपणकर मासकु जो 5 डेज पीरियड्स होउछि सेथरे मिनिमम आपण 20 पैड यूज करथबे गोटे ऋतुस्राव रे, तो सेतिकिर कॉस्ट एस्टिमेट करंतु एंड दिस ओनली कॉस्ट यू 500 रुपीस। तो यार एंड मु कहूँ एटा आप 3-5 इयर्स तक भी यूज करें, तो विच इज पॉकेट फ्रेंडली यू कैन ओनली जज। आजिकल देखा जा पैड डिस्पोजलटा गोटे बहुत बड़ा चैलेंज हो गला, यहाँ तो ग्लोबल आमर इट्स ए WHO एक्रेडिटेड ग्लोबल चैलेंजटा यहाँ जहाँ लगे कि बहुत गुड़े गाइडलाइंस भी आसुचे। तो प्रॉपर पैड डिस्पोजलटा आमर हाइजीन मेंटेन करेटा जितकी आवश्यक, एनवायरमेंट को आखिरे रखिकिना एंड अलग मान कम्युनिटी को आखिरे रखिकिना आमको डिस्पोजलटा भी आमर प्रॉपर रह कथा, कहीं एगेन एटा गोटे ब्लड कहार HIV थे, कहार HBS AG थे, मैंने हेपेटाइटिस थे, तो युवा सब आम ओपनली सेमती रखिदेचु, ओपनली ये हेला बेलू मैंने युवा सब समस्ते सम्मुखीन हूँ। तो प्रॉपर पैड डिस्पोजल रो मेथड्स कौन, ताकू आपण जेतेबेले यूज करछंती ताकू आपण गोटे पेपर रे रैप करिकिना ताकू प्रॉपरली डस्टबिन रे रखिबे, एंड आजिकाली कहा जाउछ कि रेड डॉट मारिकिना रखिया रे से डस्टबिनटा, तो सेटा सानी क्लीन रे जीव, तो प्रॉपरली डिस्पोज हबो। तो एगुडा होउछि पैड्स रो डिस्पोजल। जदि आपण क्लॉथ यूज करछंती तो क्लॉथ रो आमर आदत अछि कि आमे ताको कोठे हाइड करिकिना ये करिया काचिबा, हाइड करिकिना ताको सुखा हबो नु, एटा को सन ड्राई करिया बहुत आवश्यक, सन ड्राई करिकिना ही ताको यूज करियार अछि। जदि आपण टैम्पून्स यूज करछंती तो टैम्पून्स यूज करियार सबटु जेमिति आमर पैडटा को डिस्पोज करूछ आमे टैम्पून्स भी सेमिति ही डिस्पोज करिबा, एटा कोनोसी टॉयलेट रे जिबनी कि फ्लश हबनी। एंड आउ गोटे हैला सबुठ बेस्ट यांको भितरे आसुची मेंस्ट्रुअल कप्स, एटा बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड बॉडी फ्रेंडली आल्सो। इवन पैड्स रो भी दुईटा टाइप रो पैड्स अच्छे, गोटे इनऑर्गेनिक पैड्स गोटे ऑर्गेनिक पैड्स। इनऑर्गेनिक पैड्स गुड़े आम केमिकल्स यूज करूँ एंड एथे प्लास्टिक यूज कराए, तो एटा भी एनवायरमेंट लगे गोटे बिग चैलेंज, कहीं एगुड़ा सब मिसे नहीं मटी में मिसिया को बहुत टाइम लगे। ऑर्गेनिक पैड्स ऑर्गेनिक पैड्स आम जो बनाना रो से गुड़ा सब स्टेम रो एक्सट्रैक्ट गुड़ा से फाइबर्स गुड़ा से गुड़ा सब पैड्स गुड़ा बना हो एंड मार्केट रे भी आजिकल अवेलेबल है, इट इज सेटा भी बहुत कॉस्टली भी नुहे। तो मोर गोटे रिक्वेस्ट रहिबो कि आमे जदि स्विच ओवर करिबा ऑर्गेनिक पैड्स को ताहले सेटा भी बहुत बेटर हबो।